दोस्तों सबसे पहले जरा इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को देखिए। क्या लगता है ये नेब्यूला कितना बड़ा होगा? नाउ आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अरे कौशिक भाई, ये नेब्यूला कहाँ से है? ये तो मिल्की वे से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। बट बिफोर एक्यूजिंग मी, लेट मी टेल यू कि इस ऑब्जेक्ट को नेब्यूला में नहीं बल्कि इसको कैप्चर करने वाले वेलिश बिजनेसमैन आइजेक रॉबर्ट्स ने ही कहा था। रीजन जानते हो क्यों? वेल, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 29 दिसंबर 1888 का वो दौर जब इस तस्वीर को खींचा गया था, तब की कॉस्मोलॉजी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक गैलेक्सी में ही सीमित हुआ करता था। और जैसा कि आप जानते होंगे, उस समय मिल्की वे को ही यूनिवर्स की सोल गैलेक्सी मानते हुए कॉस्मोस में मौजूद हर एक चीज को मिल्की वे का ही हिस्सा मान लिया जाता था। अब इसी बेसिक प्रेमिस की वजह से इस तस्वीर को खींचने के बाद आइजेक ने भी इसे द ग्रेट नेब्यूला इन एंड्रोमेडा का नाम दिया। हालांकि शायद आइजेक को खुद भी नहीं पता होगा कि उनके द्वारा कैप्चर किया गया ये नॉर्मल सा नेब्यूला आगे जाकर पूरी कॉस्मोलॉजी को बदलने वाला है, क्योंकि ये वही तस्वीर है जिसने आगे जाकर यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन कैसे? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि साल 1923 से 2023 में 100 सालों के दौरान हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हर जगह पर पब्लिश होने के बाद आइजेक ने इस तस्वीर को एक नेब्यूला की तरह ट्रीट करने को ही कहा। बट एक चीज जो एस्ट्रोनॉमर्स ने कई साल बाद नोटिस करी वो थी इस नेब्यूला का स्पाइरल स्ट्रक्चर। अब देखो, नेब्यूला बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ गैस एंड इंडस्ट्रियलर डस्ट होती है जो समय के साथ साथ फैलता जाता है और फेड भी हो जाता है। बट नेब्यूला में किसी तरह के स्ट्रक्चर्स का होना, खासकर स्पाइरल जैसा इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा पॉइंट था जिसका सीधा सा मतलब ये था कि ये नेब्यूला किसी ड्राइविंग फोर्स के इफेक्ट से क्रिएट हुआ है, विच मींस कि इस नेब्यूला में सिर्फ गैस और डस्ट ही नहीं था बल्कि और भी कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। और कुछ इस तरह से इन सब की शुरुआत हुई। अब एंड्रोमेडा के ऊपर जब लगातार लोगों द्वारा रिसर्च करी जाने लगी तो दो ग्रुप्स क्रिएट हो गई, जिनमें से एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था जो ये मानने को ही नहीं तैयार था कि मिल्की वे के बाहर भी कोई यूनिवर्स हो सकता है। अब उस ग्रुप ने इस इमेज के आधार पर एक के बाद एक ऐसे क्लेम्स पेश किए जिससे उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि एंड्रोमेडा कोई डिफरेंट गैलेक्सी नहीं बल्कि एक नॉर्मल नेब्यूला ही है जो मिल्की वे के किसी कोने में मौजूद है। मगर इसी के ऑपोजिट एक ग्रुप ऐसा भी था जो ऑर्थोडॉक्स होने के नाते चेंज रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से उस ग्रुप ने इस बात को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स की लड़ी लगा दी कि एंड्रोमेडा मिल्की वे के बाहर मौजूद एक दूसरी गैलेक्सी है और हमारा यूनिवर्स मिल्की वे से हजारों गुना बड़ा है। अब दोस्तों आने वाले दो दशकों में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 26 अप्रैल 1920 के दिन स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में उस वक्त के दो सबसे दिग्गज एस्ट्रोनॉमर्स हार्लो शेपली और हेबर कर्टिस के बीच गजब की बहस छिड़ गई। इस बहस में शेपली का मानना था कि एंड्रोमेडा तस्वीर में जितना भी दिख रहा है उससे काफी ज्यादा छोटा एक नॉर्मल सा नेब्यूला है और मिल्की वे के बाहरी हिस्सों पे ही मौजूद है, जिसे उस दौर में पूरा ब्रह्मांड माना जाता था। जबकि कर्टिस इंडिपेंडेंट गैलेक्सीज का समर्थन कर रहे थे और स्टेट कर रहे थे कि यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज मिल्की वे से भी सैकड़ों गुना बड़ी होंगी। अब देखो, दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे और किसी का पॉइंट प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन बहस इतनी तगड़ी हुई कि आज एक सदी बाद भी उस बहस को एस्ट्रोनॉमी में द ग्रेट डिबेट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, लोग बहस में पड़े थे, पर इसी बीच एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने इतिहास रच दिया, एंड यू ऑल नो हिज नेम। ही वॉज नन अदर देन सर एडविन हबल। दरअसल देखो, उस वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ से डिस्टेंस और उसका अप्रोक्सीमेट साइज को पता करने के लिए सीफाइड वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये वेरिएबल्स किसी स्ट्रक्चर के ब्राइटनेस और ग्लो को काफी मेजरली अफेक्ट करते थे। अब देखो, इसके लिए बेसिकली किया क्या जाता था कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ए नाम से है और उससे बहुत ज्यादा ग्लो एमिट हो रही है, तो उसके डिटेल्स निकालने के लिए इस प्रोसेस में सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के अंदर का या आसपास का सीफाइड वेरिएबल्स को ढूंढा जाता था और उन्हें ढूंढने के बाद उनके साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एस्टिमेट किया जाता था कि उसके ओरिजिन पॉइंट से कितनी लाइट एमिट होती होगी। आसान भाषा में इसे इंट्रिंसिक ल्यूमिनोसिटी कहते हैं।
अब इंट्रिंसिक ल्यूमिनोसिटी निकालने के बाद ये देखा जाता था कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट कितना ब्राइट दिख रहा है, जिसे एपेरेंट ल्यूमिनोसिटी कहा जाता है। अब हम इंसानों के केस में मान लो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट अर्थ होता है, इसीलिए इस स्टेज में देखा जाता है कि धरती से देखने पर वो ऑब्जेक्ट कितना ब्राइट या फेडेड दिख रहा है। अब स्वाभाविक है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी एंड वाइस वर्सा। बस फिर क्या था, इसे इंट्रिंसिक और अपेरेंट ल्यूमिनोसिटी को निकालने के बाद इन्हें आपस में कंपेयर किया जाता था और जो डिफरेंस होता था उसी के पैरामीटर के आधार पर किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ से डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता था। अब जब सर एडविन हबल ने यही सेम एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च एंड्रोमेडा नेबुला पर किया तो उन्होंने पाया कि एंड्रोमेडा मिल्की वे के आसपास तो क्या फार बियॉन्ड द आउटस्कर्ट्स एग्जिस्ट करती है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस एंड्रोमेडा को लोग रिलेटिवली छोटा होने के दावे कर रहे थे ना, असल में वही एंड्रोमेडा तस्वीर में जितनी दिख रही है उससे काफी ज्यादा बड़ी है। हो सकता है मिल्की वे से भी बड़ी हो। और अपने इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एडविन हबल ने सर्टेनली ये प्रूव कर दिया कि मिल्की वे की तरह ही ब्रह्मांड में बाकी बहुत सी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है और हमारा यूनिवर्स मिल्की वे के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों उनकी यही फाइंडिंग्स सबसे पहले 23 नवंबर 1924 के द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई थी और जल्द ही इस रिसर्च ने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि 1 जनवरी 1925 के दिन जब पूरी दुनिया नया साल मना रही थी तब हबल को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग में बुलाया गया अपनी प्रेजेंटेशन और रिसर्च शोकेस करने के लिए। उनकी फाइंडिंग्स इतनी सटीक थी कि सबको उनकी थीसिस पर यकीन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसीलिए 1 जनवरी 1925 को माइलस्टोन बताते हुए कहा जाता है कि दिस वाज द डे व्हेन ह्यूमैनिटी डिस्कवर्ड द यूनिवर्स। अब दोस्तों उसके बाद से आज तक हम ना जाने कितने ही ब्लैक होल्स, नेबुलास, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, पल्सार्स, मून्स और ना जाने क्या कुछ डिस्कवर कर चुके हैं, पर अगर हम अपनी उसी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को ना हटाते तो हम कभी भी मिल्की वे के बियॉन्ड देखने की इच्छा ही नहीं करते। अब खैर ये तो बात होगी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स की, बट क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स वर्ड कहाँ से आया था या फिर इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? दरअसल इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है। वेल देखो, इसकी शुरुआत होती है प्राचीन लैटिन में इस्तेमाल किए जाने वाले दो शब्दों से जो थे यूनस जिसका मतलब था वन और वर्सस जिसका मतलब था ट्रांसफॉर्म या फिर टर्न्ड। इन दोनों शब्दों को सबमर्ज किया गया तो ओरिजिनेट हुआ यूनिवर्सस जिसका लिटरल मीनिंग था टर्न्ड इनटू वन। लेकिन इससे किसी एक यूनिट की सारी चीजों को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ऑल थिंग्स, ऑल पीपल, ऑल इन वन, कुछ ऐसे रेफरेंसेस में इसे लैटिन लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब लैटिन से ओल्ड फ्रेंच में अडेप्ट होने के बाद ये और शॉर्ट होकर यूनिवर्स बन गया विदाउट ई और इसकी सिंपल सी मीनिंग थी इंटायरली, यानी बेसिकली इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ। मिड 16th सेंचुरी में जब बहुत से लैटिन वर्ड्स इंग्लिश में अडेप्ट किए जा रहे थे तो यूनिवर्स शब्द का प्रचलन 1580s में ग्लोबली शुरू हो गया, जिसमें इंटायरली को और एक्सपैंड करता हुआ इस बार इसे टोटली ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में यूज किया जाने लगा और तब से लेकर आज तक एग्जिस्टेंस एज होल को हम यूनिवर्स ही बुलाते हैं। हालांकि देखो इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है हिंदी और संस्कृत में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ब्रह्मांड की, जो निकल कर आया है ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त और ब्रह्मांड पुराण से। अर्ली 20th सेंचुरी के मशहूर स्कॉलर्स में से एक वी आर रामचंद्र दीक्षितार ने इस पुराण को 400 BCE का बताया था, यानी आज से करीब 2400 साल पहले का। अब ओरिजिन के केस में ब्रह्मांड शब्द भी दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है जो है ब्रह्मा और अंड, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन कॉस्मिक एग बनता है। अब अगर आपने हमारी बिग बैंग साइंस वर्सेस रिलीजियस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने उसमें हिरण्यगर्भ के बारे में भी बताया था। ब्रह्म पुराण में ये कॉस्मिक एग वही हिरण्यगर्भ है जिसके एक्सप्लोजन से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया था। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, ये वही हिरण्यगर्भ है जिसकी डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली किसी सिंगुलैरिटी से मेल खाती है। अब हैरानी की बात यह थी कि वो दौर जब इंसान सूर्य और चंद्रमा से आगे नहीं सोचा करते थे तब इस पुराण में अनंत ब्रह्मांडों की बातें लिखी गई थी। जी हाँ, अनंत आकाश गंगाएं नहीं बल्कि सीधा अनंत ब्रह्मांड। अब इसके आगे हम और क्या ही कहें,
बस दुख होता है कि भारत के लोग अपने ही कल्चर को नहीं पढ़ना चाहते। ब्रह्मांड पुराण में आज से 2400 साल पहले मल्टीपल गैलेक्सीज का जिक्र मिलता है, जबकि देखो यही चीजें साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी में अभी एक दो सदी पहले ही आई है। डजंट सीम्स ए बिट शॉकिंग? हालांकि आपके हिसाब से जिस तरह से हमने मिल्की वे के बियॉन्ड के यूनिवर्स को ढूंढा, उस तरह से क्या हम कभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड किसी मल्टीवर्स को ढूंढ पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और साल 1925 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी के खोज के बाद आज साल 2023 में करीब 100 साल के बाद हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स साइज में करीब 94 बिलियन लाइट ईयर्स का हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो सबसे दूर वाली गैलेक्सी आज तक हमें मिली है ना, उसकी अर्थ से डिस्टेंस करीब 47 बिलियन लाइट ईयर्स है। और इसी डिस्टेंस को अगर आप अर्थ को बीच में रख करके एक बड़ा सा गोला बनाओगे ना, तो ये रेडियस होता है 94 बिलियन लाइट ईयर्स का। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि हम इंसान आखिर किस लेवल तक का ज्ञान हासिल कर सकते हैं अपने ही प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर। और साथ ही साथ देखो, नए डिस्कवरीज भी करनी चाहिए, इससे भी हम आगे ही बढ़ते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या राय है इस बात पर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।